बापू मो ब्याह ना करनो। ब्याह तो तेरे बाप ने भी कियो और तेरे दादा ने भी, तू कैसा छूता रह जाएगा, बैठ जा। बापू अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, जुलम क्यों कर रहे हो? जुलम तो अभी भय होना है, और ज्यादा पिया पाचा करी तो जरूर है जाएगा, बैठ जा। बापू बैठ जा, बापू बैठ जा। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, यू हमारा लौंडा है भूटा। राम राम करे। राम राम पंडित जी। पंडित जी या को ब्याह ना हैरो। अच्छा, या के हाथ पाथ देख के कछु करो। हाथ दिखाया करें लौंडा। या की कुंडली में नागिन बैठी है इधर। नागिन? तभी भी डस सके जब तक वो ना हटेगी, या को ब्याह ना होएगा। नागिन या की प्रेमिका, अगर तेने या को ब्याह करना है तो दो उपाय बता रहा, कोई से भी कर ले। या तो या मैं चार जूता मार के या पे तो लौंडिया का भूत उतार दे, या फिर लौंडिया को या पे पिंड छुड़वा दे, या के ब्याह काजी लौंडिया मैं ढूंढ लूंगा। पंडित जी ये कैसा उपाय है, जालिम आदमी मार मार के तबला बना देगा। पंडित जी और कछु ना, बस इतना ही करना। अब एक काम कर, 500 रुपया धर जा, और जब या पे तो लौंडिया का भूत उतर जावे तो 500 रुपया का एक चक्कर और लगा चाहिए। सारे मार मार के तेरी चमड़ी हरी कर दूंगा, नाक नीचे तूने चुम्मी बाजार शुरू कर रखो। अरे बापू मेरी कोई प्रेमिका ना है। अरे तू चल यहाँ से, समझो ना बात। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। क्या कर रही है यार इमली, तेरे को दिखने में कितनी टेंशन में हूँ यार। क्यों टेंशन में क्यों है? पापा को हमारी प्रेम कहानी की पता चल गई है फाइनली। तू पागल हो गई है क्या? कल पापा ब्याह के लिए मुझको पंडित के पास ले गए। पंडित ने कह दी है जब तक इसकी कुंडली में इसकी प्रेमिका बैठी है ना हो सकता इसका ब्याह। पर पंडित जी को हमारी प्रेम कहानी का कैसे पता चला? आशिक की आंखें अलग ही चमक मारती है इमली, और मेरी आंखें देखकर कोई भी बोल देगा लौंडा आशिकी में पागल है, और ये बात पंडित ने पकड़ ली और बापू को बोल दी कि इसकी कुंडली में एक नागिन बैठी है जो कभी भी इसे डस सके। नागिन? नागिन कौन? तू और कौन? मैं पंडित की तो साला मुझे नागिन कहता है। चल खड़ा हो यहाँ से और बता मुझे कहाँ रहता है वो पंडित। अरे इमली बैठ जा यार। तू तो खड़ा हो यहाँ से, चल मेरे साथ। अरे छोड़, तू बैठ जा। तू चल मेरे साथ। अरे क्या कर रही है इमली? आज बताती हूँ मैं उस पंडित को। अरे इमली यार रहने दे इमली। अरे बहुत जालिम बाप है मेरा, मार मार के छेद देगा अगर पता पड़ गई तो। मुझसे शादी करनी है सोचना पड़ रहा है? हाँ नहीं 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 करनी है यार। तो चल फिर। राम राम पंडित जी। तू तो मैं वही लौंडा लगे जो अपने ब्याह का जिकल अपने बाप के साथ आयो। लौंडिया कौन उठा लाया तू? इमली इसकी प्रेमिका। अच्छा तो यू ये वो नागिन तो ब्याह ना करन दे रही? हाँ पंडित मैं ही वो नागिन हूँ, और अगर इसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना मैं सबसे पहले तुझे ही डसूंगी। अरे लाली क्या कर रही है? अरे चल फल गई तो एक आध कम है जाएगा। अरे खत्म समझाई से चुपचाप बैठो है। काम गोली बारूद से ना करें, दान दक्षिणा से भी तो हो सकता है। तो ले पंडित अब एक ऐसी स्टोरी लिख कि ये इमली इस बूटे की हो जाए, समझ गया? समझ गया। चल राम राम पंडित जी। पंडित जी राम राम। हमारे लौंडा का आज कोई लौंडिया मिली? लौंडिया मिली है गिरधर, बहुत जोरदार। जय हो महाराज। और तेरे लौंडा पेटे नागिन को सायो भी हट चुको है। अरे जय हो महाराज। पंडित जी जमीन पे ना धरे करें लक्ष्मी है गिरधर। सुन ले करनो कहा। कहा करनो पंडित जी? कल सुबह 10 बजे तेरे घर में एक लौंडिया भेजेंगो। भली भली भली। और वाह के बाद करनो कहा तो? कहा करनो पंडित जी? वाह दही खिला के, वाह की झूठी दही तू अपने लौंडा चटा दीजो। और वाह के बाद जब तेरे धरे मत गिरधर भी, जब तू अपने लौंडा लौंडिया के सामने लाएगा, तेरे लौंडा व लौंडिया की आंखन में झांकेगा
तो तेरे लौंडा को वहां लौंडिया में अपनी लुगाई नजर आवेगी। भली महाराज भली। और जब तेरे लौंडा वहां लौंडिया के अंदर लुगाई नजर आ जावे तो लौंडिया को हाथ लौंडा के हाथ पे धर दीजो, सगुन के चार ठुमके लगा दीजो, तेरे लौंडा को ब्याया जाए। भली, भली।, भली। अब पंडित की जय बोल के 500 रुपया धर जा। अरे जय हो पंडित जी। ऊपर ऊपर। और वहां के बाद जब ब्याह है जाए तो बूंदी के लड्डू और 51 रुपया सगुन के दे जाइए। अरे महाराज जय हो महाराज की। महाराज बाप नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम इमली है, मुझे पंडित जी ने भेजा है। आ बेटे आ, ले बेटी खा। नहीं ले बेटी, खा ले खा ले, चुप होता है, खा ले बेटी खा ले। बूटा। हाँ पापा। बेटा तू दही खा। वादे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। अरे खा लो पंडित जी खा लो, सबरो डब्बो तुम्हारे काज लाया हूँ। अरे पंडित जी इमली का फोटो फूटो तो बंद को हॉलीवुड पे भेज दे बालक। कद्दू फड्डू सब आया हो या कद्दू दान दक्षिणा भी लाया हो। अरे लाया पंडित जी, ऐसी बात किसी। पूरे 5100 रुपए हमने मेरी बली कर दी। तो गिरधर मैं हल्का हो रहा हूँ, बहुत जोर को आ रहा हूँ। अरे पंडित जी मैं यही बैठा हूँ। पंडित जी तो पंडित जी आपको राम राम। पंडित जी बूटा बोल रहा हूँ, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी इमली से ब्याह करवा कर। हनीमून आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है पंडित जी, स्नोफॉल पड़ रहा है। पंडित जी आके मिलूंगा, इमली और मैं साथ ही आएंगे। चलो जी रखता हूँ, बाय बाय। का हुआ गिरधर? पंडित जी हमारे लौंडा के ऊपर से नागिन का साया उतर गो। खौर का वहां का बिहारी हो। तैनी तो की हो हनीमून पे भी चले। तैनी तो भेजे। बूटा का फोन आया। अच्छा बू सारे क्रिकेट का फूफा जिस थारी में खाया वह थारी छेद गई।